फादर्स डे का गिफ्ट। एक रात की बात है, खाना खाने के बाद पापा गट्टू चिंकी से बोले, बच्चों मैं सोसाइटी कैंपस में टहलने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ? इस पर गट्टू चिंकी कुछ बोलते उससे पहले ही मम्मी बोल पड़ी, नहीं वो नहीं आएंगे आपके साथ, उनसे मुझे कुछ काम है, आप जाइए। अरे पर क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। जाइए आप जाइए। अरे पर जाइए। बेचारे पापा क्या बोलते, वो चले गए और गट्टू चिंकी भी मम्मी से नाराज हो गए। क्या मम्मी आप हमें क्यों नहीं जाने दिया, क्या काम था आपको हमसे? और पापा पर क्यों चिल्लाई आप, बेचारे नाराज होकर चले गए ना। इस पर मम्मी ने कुछ ऐसा कहा कि बच्चों की नाराजगी एकदम से छूमंतर हो गई। अरे बुद्धू कल फादर्स डे है, तुम्हारे पापा को कल हमें सरप्राइज देना है, उनके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए यही डिस्कस करना है हमें। वाओ कल फादर्स डे है, फिर तो पापा को कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे। पर क्या पापा को ऐसा क्या पसंद है जो कल हम उन्हें दे सकते हैं? सवाल सुनकर मम्मी परेशान होकर बोली, यही तो मुसीबत है, ये पूछो कि तुम्हारे पापा को क्या नहीं पसंद, सब पसंद आता है उन्हें, जो खाना बनाओ चुपचाप खा लेते हैं, जो चीज दे दो उसे रख लेते हैं, ना तो कभी शिकायत करते हैं और ना ही कभी अपनी चॉइस बताते हैं, बस हर वक्त हमारी चॉइस पूरी करते हैं। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी भी परेशान हो गए, सोचने लगे कि ऐसा क्या दिया जाए जिससे पापा के चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप ठीक कहती हो मम्मी, पापा के चॉइस का पता लगाना आसान नहीं है। तभी एकदम से चिंकी चिल्लाई, मुझे पता है पापा को क्या पसंद है। अरे तो जल्दी बोलो क्या है वो चीज। मम्मी आपको याद है ना, पिछले हफ्ते कपड़ों की खरीदारी करने हम शोरूम गए थे, तब मैंने नोटिस किया कि पापा जेंट्स कॉर्नर में जाकर एक शर्ट छूकर देख रहे थे और अपने आप में ही खोए हुए थे। मुझे लगता है पापा को वो शर्ट पसंद आ गई थी। उस शर्ट का प्राइस क्या था? प्राइस टैग पर तो 10,000 लिखा था। तभी तो, इसीलिए इतनी महंगी शर्ट उन्होंने नहीं खरीदी और हमें पूरे 20,000 की शॉपिंग करवाई। तो फाइनल हम कल पापा को वही शर्ट गिफ्ट करेंगे। बात तो ठीक है बेटा, पर हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं और इस बार पापा से भी नहीं मांग सकते। आपके पास कितने पैसे हैं? होंगे कुछ 8,000 के आसपास। तो हमारे गुल्लक से भी 2,000 मिल ही जाएंगे, कुछ भी हो पापा के लिए शर्ट तो बनती ही है। गुल्लक तोड़ा गया और 10,000 जोड़े गए। फिर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ कपड़ों के शोरूम पहुँचे। जैसे ही उन्होंने शर्ट के बारे में बताया तो शोरूम का ओनर नाराज होकर बोला, सॉरी मैम आप लेट हो गए, वो शर्ट तो बेची गई है। ये सुनकर गट्टू चिंकी और मम्मी नाराज हो गए और घर चले आए। दूसरे दिन की सुबह हुई, मम्मी किचन में थी और गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। पापा नहा धोकर अपने कमरे में ऑफिस जाने की जल्दी में कवर्ड खोलकर शर्ट निकाल रहे थे कि तभी उन्हें एक नई शर्ट और साथ साथ गट्टू चिंकी की लिखी हुई चिट्ठी मिली। अरे ये तो वही शर्ट है और ये चिट्ठी तो गट्टू चिंकी ने लिखी है। डियर पापा हैप्पी फादर्स डे, आपकी चॉइसेस हमारी चॉइसेस से कई गुना कीमती है, क्योंकि हमारी कई चॉइसेस है और आपकी चॉइस बस हम है, शर्ट पहन कर आना। मम्मी और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट के लिए पापा का इंतजार कर रहे थे कि तभी पापा वही शर्ट पहनकर मुस्कुराते हुए आए और मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी जच रही है ना शर्ट पापा पर? बहुत जच रही है बेटा, पर ये तुम्हें कहाँ मिली? मम्मी कल शोरूम के बाहर जब हम रिक्शा का वेट कर रहे थे, तब सुसु के बहाने हम फिर से शोरूम आए और ओनर को बताया कि वो शर्ट हमारे लिए कितनी स्पेशल है। फिर क्या उसने फोन घुमाया और आज सुबह उन्होंने दूसरे शोरूम से वही शर्ट हमारे घर डिलीवर कर दी। ये सब सुनकर पापा के साथ साथ मम्मी भी इमोशनल हो गई। क्या जरूरत थी बेटा इतनी महंगी शर्ट लाने की? आप आज कुछ मत बोलो पापा, जैसे आपके लिए हमारी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं, वैसे ही हमारे लिए भी आपके स्माइल से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए प्लीज स्माइल एंड हैप्पी फादर्स डे। ये सुनकर
पापा के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा से लिपट गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।